नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजे न्यू ऐप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप IRCTC एप्लीकेशन में अपना ईमेल आईडी डाल रहे हो तो वहां पर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, तो ये अपने इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप IRCTC एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और वहाँ पर अगर आपका फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, तो आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे वो बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपना जो ईमेल आईडी वो डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कि रेड कलर में हो जाता है हमारा ईमेल आईडी और यहाँ पर एक आई बटन आ जाता है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और यहाँ पर इसी तरीके से आप अगर मैं फ़ोन नंबर अपना डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये भी मेरा जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिखा रहा है ये भी। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर मेरी जो दोनों चीज़ें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम यहाँ पर जब इनको डाल रहे हैं तो ये ऑलरेडी बता रहा है। तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने तो अभी कभी डाला भी नहीं है तो ये ऑलरेडी क्यों आ रहा है वो समझिए। मान लीजिए अगर आप फ़ोनपे या गूगल पे एप्लीकेशन से या और भी जो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं वहाँ से अगर आप कभी टिकट बुक करने के लिए जाते हो, अगर फ़ोनपे के थ्रू अगर आप टिकट बुक करते हो तो आप सारे डिटेल डालने के बाद अपना जो कि स्टेशन वगैरह मतलब सिलेक्ट करने के बाद टिकट वगैरह आप बुक करते हो तब, तो वहाँ पर आपसे IRCTC की यूज़र आईडी डालने के लिए बोलता है। तो आपके पास यूज़र आईडी नहीं होता तो आप वहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हो, या फिर कभी और आपने यहाँ पर इसी एप्लीकेशन में आकर के क्रिएट किया हो या फिर इसकी वेबसाइट पर जाकर के क्रिएट किया हो, कहीं और से अगर आपने क्रिएट किया होगा तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बताएगा कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है। या तो फिर आप गूगल पे से कर सकते हो या तो फ़ोनपे एप्लीकेशन से कर सकते हो, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ऐसे में आपका जो कि प्रॉब्लम है आखिर सॉल्व कैसे होगा वो समझिए। अगर आप इसी नंबर से और इसी ईमेल आईडी से आप इसमें अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना वो भी बताऊंगा। और अगर आपके घर में कोई और ईमेल आईडी है या फिर आपके पास कोई और ईमेल आईडी है या फिर आपके पास दूसरे कोई फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपका फ़ोन नंबर हुआ, आपके अगर आपके पास दो फोन नंबर है तो आप दूसरा डाल सकते हो, या फिर अपने फैमिली मेंबर से किसी का भी ले सकते हो, भाई बहन पापा मम्मी किसी का भी आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर जो फ़ोन नंबर डालोगे ईमेल आईडी डालोगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आप इसके थ्रू टिकट वगैरह बुक करोगे तो ऐसे में जो कि कॉन्टैक्ट में ये भी आपका आएगा। हालांकि इसको हम चेंज करते हैं, जब टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर भी हम कॉन्टैक्ट में अपना फ़ोन नंबर ईमेल दूसरा डाल सकते, ऐसा होता है, बट आपका एक रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी चलिए यहां से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अभी आप देख सकते हो यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड, तो आपको पहले यूजर नेम के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको यहां पर अपना वही रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी डालना है जो अभी आप डाल रहे थे, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा, तो आप यहां पर वो डालिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए और आपको ये जो कैप्चा कोड यहां पर दिख रहा है ये जिस तरीके से लिखा गया है इसके अंदर वही चीज आपको यहां पर लिख देना है और आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो कि अपना जो यूजर आईडी है वो फॉरगेट कर पाओगे। जैसे आप यूजर नेम अपना फॉरगेट कर लेते हो उसके बाद फिर आपको पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, आपको पासवर्ड भी फॉरगेट करना होगा क्योंकि जब आपको यूजर नेम नहीं याद था तो आपको पासवर्ड भी याद नहीं होगा। तो आप यहां पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी डाल दीजिए जो अभी आपने फॉरगेट की है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो आप यहाँ पे डालिए, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि एक OTP जाएगा, वो OTP डालने के बाद आप जो कि अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट कर पाओगे और फिर आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना और पासवर्ड डालना है और फिर टिक करके आपको जो कि यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप लॉगिन कर पाओगे और फिर आप उसी अपने ईमेल आईडी से और उसी अपने नंबर से आप अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर मैंने आपको दो मेथड बता दी हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।